मोदी जी की सरकार में बहुत सुधार हुआ है। हाँ बहुत सुधार हुआ है इनको, शायद जम्मू कश्मीर का भी एक भी हमले तो पता नहीं होंगे तुम्हें, एक भी हमले पता है? ये देखिए, हाँ ये क्या देखिए, क्या बात कर, पुलवामा जम्मू कश्मीर में नहीं उत्तर प्रदेश में हुआ था? अरे इंदिरा गांधी की कौन कह रहा भैया, अरे गलत थे वो, हट गए सत्ता में से, उनकी बात क्यों करते हो, जो सत्ता में बैठे बात उनकी करो ना। नहीं है तो वो सत्ता में है कब? विपक्ष में बैठा है, ऐसे मूर्खों के पास चलो, वो विपक्ष में बैठा है, वो विपक्ष में बैठा हुआ, वो कह रहे सत्ता में बैठा, वो लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का नेता है, जो ऐसे ऐसे मूर्खों से बात क्या लग रहा है, क्या काम क्यों कह रहे सत्ता में लाए? अरे ये देखो, ये युवा है, मर्यादा से बाहर जा रहा है, सबको पहले सब देख रहे हैं। एक सेकंड नहीं, अरे एक सेकंड, अरे चाचा अरे चाचा, अरे चाचा सुन लो, अरे चाचा गर्मी मंद का बोलने का अधिकार है, जब तुम राहुल गांधी का इतना गुण गा रहे हो ठीक है, हमें नहीं पता किसी मर्जी गुण गाओ, चाहे अखिलेश के गाओ, गुण गाओ मोदी का, है ना, जो मोदी के गुण गाए वो गुण नहीं होते, पर विपक्ष का कोई बात उठा देना तो वो गुड़गाना होता है। अरे हम तो भाई आवाज उठा रहे हैं, जो गलत है उसकी बोल रहे हैं, ये हमारे का पर्सनल लगाव है, वो हमारे घर का है, ये मोदी जी हमारे घर के, कोई हमारे घर का नहीं है भाई। इनके लिए गलत क्या, राहुल ने इनके लिए अच्छा किया, 90 सीटें आने से वो इतने इतरा रहे, इतने घमंड हो गए, जैसे 99 सीटें आने से सोचो वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगे, 99 सीट आने से बड़ी पार्टी होने के कारण प्रतिपक्ष का नेता उनको बनाया गया है, अगर बड़ी पार्टी नहीं होती तो प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया जाता उनको, पर कहने का मकसद है, पर उनको तो संसद का स्पीकर हो चाहे प्रधानमंत्री हो अदरवाइज कोई भी हो, उनका आदर सम्मान तो करना चाहिए ना। नहीं वो किन के यार, वो किन से गलत बोल रहे हैं एक बात बताइए, गलत वो उन्होंने किन से बोल दिया, वो तो सबका सम्मान कर रहे हैं, सम्मान किसका नहीं कर रहे, वो क्या पहले नहीं करते थे सम्मान, क्या अब नहीं कर रहे, वो सबका सम्मान कर रहे हैं, ये तो कहने वाली बात है, उनको ज्यादा सीटें आई तो इसलिए बना दिया गया, वो सही है गलत कुछ नहीं है, सम्मान किसका नहीं कर रहे। तो आपको नहीं लग रहा अपोजिशन लीडर को ऐसे बालक बुद्धि देना गलत है? अगर मैं कहूँ कोई गलत नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ, कानून में भी नियम में भी मोदी जी को कुछ बोला जाता है, कानून में गलत नहीं है, ये बात गलत नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बोलना, मैं ये कहना चाहता हूँ इन युवा को, अगर इन पे अभी से तमीज नहीं दो कल कब आएगी इनको, या राहुल की मन बुद्धि इनके पास भी आ गई है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बालक बुद्धि बोला, कुछ गलत नहीं बोला मुझे। अगर वो बालक बुद्धि है तो कैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आज दरी बैठी है, एक बालक बुद्धि ने आपको डरा दिया, किस तरह आपका बेड़ा गर्क 2024 के चुनाव के अंदर हुआ, आप लगातार नारा दे रहे थे 400 पार का, आपके रथ को 240 पर रोका गया, वही बालक बुद्धिजीवी के द्वारा, लगातार मोदी जी से नीट की परीक्षा पर सवाल होता है, अग्निवीर पर सवाल होता है, वही बालक बुद्धि सवाल करता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, राइट मैन, झूठ बोला राहुल ने संसद में, झूठ बोला क्या बोला, वीर बालक में भी झूठ बोला उन्होंने, वीर अग्नि में भी झूठ बोला, हर बात में झूठा, सपने है उसका, रक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया, मोदी जी ने भी जवाब दिया, पर हमारे भ्रमित, ये भ्रमित हुआ, ये पेड व्यक्ति, ये कभी उस चीज को नहीं मान गए, इनका काम है झूठ बोलना, ये पेड़। देखिए दो तरीके के भक्त होते हैं, भविष्य में अंधकार, अगर पेड़ भक्त से भूलोगे तो वो जवाब कम देगा, चिल्लाएगा ज्यादा, जो ये काम का है, ये लोग सिर्फ चिल्लाने का काम करते हैं, मुद्दे की बात करो तो ये नारा लगाने लग जाते हैं, समझ रहे हो, सबसे बड़ी इन लोगों के अंदर जो कमी है वो आज क्या है कि इन्होंने देश के सही मुद्दे जो नेता उठा रहा है उसे बालक बुद्धि बताते हो, उसे पप्पू कहते हो, अरे ये तो देश जानता, उसके परिवार ने देश के लिए क्या सादत दी है। भैया आप इतनी देर से बोल रहे हो, लेकिन देख लो भाई साहब के अंकल जी के वो चश्मा भी लगा है मोदी जी वाला, चश्मा मोदी जी वाला लगा हुआ चश्मा, और टोपी पहनाने वाली टोपी भी पहन रखी है, टोपी पहनाते हैं ना ऐसे, टोपी पहना, अरे इस बार करो ना,
जैसे वो टोपी पहनाते हैं लोगों को बोलकर कि भाइयों और बहनों मित्रों आज रात 8 बजे अब चलाया हुआ तुम्हारा 2000 का नोट तुमसे नहीं चला, नोटबंदी तुमने जनता को मार डाला, तुम चल कहाँ रहे हो? दूसरे को बोलते बालक बुद्धि और तुम बोलते मौसी। अरे विधानसभा के अंदर बोल रहे हो, 75 साल के हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, दोनों जगह से माननीय हो, दोनों जगह से माननीय हो, एक तो 75 साल के आप हो तब भी माननीय हो और देश के प्रधानमंत्री हो, डायलॉग बोल रहे हो, फिल्म का डायलॉग बोल रहे हो आप, फिल्म का डायलॉग बोलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है क्या? मन बुद्धि कोई अपशब्द नहीं है, संविधान में भी कोई अपशब्द नहीं है मन बुद्धि का, मनोती वही होती है जो कहा गया। राहुल को सुनो, सुनो मेरी बात, राहुल ने हिंदू तत्व वहाँ पर उठाया कि बीजेपी वाले हिंदू नहीं है, अरे सोशल वाले हिंदू नहीं है। अरे जिस नेता ने आपके प्रधान ने देश के लिए काम किया है 24 घंटे काम किया है उसने, लोगों के लिए गरीब से लिए सबके काम किए, इनके टाइम पे मनमोहन सिंह में क्यों काम नहीं है, काहे को फाड़ दिए जाते थे? जो मनमोहन सिंह के स्कूलों में इतने बड़े हो गए पढ़ पढ़ के है, कांग्रेस के स्कूलों ने तुम्हें बना दिया, आज इलाज भी उन्हीं के अस्पतालों में कराते हो, सारी सुविधा लेते हो, फिर बात मोदी की करते हो, इससे पता लगता है, सुनिए इससे आप तो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हो, क्या हो सकता है? जैसे कांग्रेस झूठ बोलती है ना ऐसे झूठ बोलती है कांग्रेस, संसद में सारा झूठ बोला, एक एक गृह मंत्री ने जवाब दिया, राजनारायण ने जवाब दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कांग्रेस झूठ बोलती है हिंदू धर्म की, क्या कहना है सर? नहीं मोदी तो बोल, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ये इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि इस बार सीटें क्या थोड़ी सी पाली हैं, तो इनको लगता कि अब हमारा भविष्य राहुल गांधी है। मैं नहीं समझता जिस हिसाब से मोदी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं उनके यात्रा को ये लोग रोक पाएंगे जो विरोधी लोग बोल रहे हैं। इस देश को गर्त पे ले जाने वाले यही लोग हैं जिसकी ये गुणगान कर रहे हैं। हमारा देश स्वतंत्र हुए आज 70 साल हो गए, कहाँ पहुँचा है, आज हम किस जगह पे हैं? मोदी एक ऐसा आदमी है जो हमें फॉरेन से चीजों को कॉपी करके इस इंडिया में इंडक्ट कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। नहीं नहीं कोई आगे नहीं बढ़ रहा, तो कहते हैं मेड इन इंडिया अपनाओ, आप कह रहे हो वो फॉरेन से चीजें लाते हैं, फिर मेड इन इंडिया की बात कहाँ गई? टेक्नोलॉजी ला रहे हैं भाई साहब, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही देश के अंदर, तमाम चीजें मोदी जी की खत्म होती जा रही है। नहीं ऐसा शब्द मत बोलिए, जनता बहुत महान है, जनता ही लोगों को बनाती है, जनता की ही दम की बात है जो मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं, आप जनता के लिए गलत शब्द नहीं बोल सकते। मोदी जी ने काम किया तो सीटें कम क्यों? सीटें कम हुई है पॉलिटिक्स है मैम, जनता कुछ लोगों ने अपने गठबंधन बनाने के बावजूद गठबंधन का उनको फायदा मिल गया, बट इस बार देख लेगी क्या परफॉर्मेंस रहेगी मोदी की, जनता फिर रिवर्ट बैक करेगी, मोदी को अगर आना ही है फिर से, मोदी जी को फिर से आने उनका काम देखा है जनता ने। जी अगर जनता काम देखती तो जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, लगातार ये लोकसभा के अंदर कहते थे और अपने भाषणों के अंदर कहा करते थे, 100 पे क्यों नहीं रुके? तो 100 पे नहीं रुके सर, 240 पे आपका रथ रुक गया, कितना फर्क है? 270 आप ये देखो ना मार्जिन कहाँ रह गया, आप लोग तो सब चक्के तो आप भी 38 पार्टियों के साथ मिले हुए हो, आपने क्यों मांगा फिर? आप तो 272 पे भी काम कर सकते थे, क्यों 400 पार मांगा आपने? बताइए आदमी आईएएस बनना चाहता, हर आदमी आईएएस बनता है क्या? लोअर ग्रेड की नौकरी ले लेता है तो क्यों वादे करता है वो? क्या वादे? आईएएस बनने के नहीं बन सकता, हर आदमी मेहनत करता है, आप सपने क्यों झूठे दिखाते हो कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा? इंडिया में जब कोई स्टेट दिखाना होता ना गुजरात मॉडल को फॉलो करते हैं, गुजरात में ले जाके आएंगे, मैं गुजरात। अच्छा अच्छा राहुल गांधी ने बोला कि सीधे बातचीत है मोदी जी की भगवान से, इस पे क्या कहना? क्या चीज सीधी बातचीत है मोदी जी की भगवान से? नहीं ये मैं धार्मिक आस्था के अनुरूप और विपरीत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट जो लोग यहाँ पे लॉबी में देख रहा हूँ कि राहुल राहुल बोल रहे हैं तो मैं इनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बोला था ना कि हम नॉन, ठीक है, जैसे लोग जिनका आज तक ये विश्वास खत्म नहीं हो रहा, आप देख रहे हो देश बर्बादी की ओर लिया है पिछले 10 साल में है, GDP कहाँ चली गई, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार नीट के पेपर फेल हो रहे हैं, अग्निवीर को आपने मजदूर वीर बना दिया इस देश के अंदर, चीजें दिख रही है
जाते हुए, बट पहले मुद्दे ऐसे होते थे अंदर ही अंदर गोलमाल, कितने घोटाले से इस देश को गर्त में ले गई है। चलो पहले अंदर अंदर होता था, आज तो खुलेआम आप घोटाले कर रहे हो लगातार। 70,000 करोड़ का घोटाला आप उसे अपने साथ ले लेते हो। अभी ये क्या हुआ है जो आपने चंदा लिया था, ये चुनाव के टाइम में तो हर कोई लेता, आप भी उसमें इन्वॉल्व है। मैं तो नहीं लेता चंदा, हो सकता आपने चंदा लिया हो किसी बिजनेस के लिए। आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो, वही गुजरात मॉडल जहाँ 14 पेपर लीक होते हैं, वही गुजरात मॉडल जहाँ सड़कें धस जाती हैं, कैसा मॉडल है बताइए। आप को नहीं संभाल पाते लोग, देश को संभालना इट्स नॉट इजी। जो आदमी आप कह रहे हो घर, ये बात तो आपने सही कही है कि मोदी जी घर नहीं संभाल पाए जब ही चली गई जो सीधा बेल हमारी, ये बात आपने सही कही। ये पिकनिक मनाने वाले कुछ नहीं करने वाले, पिकनिक तो सबसे ज्यादा दौरे तो मोदी जी ने करे विदेशों में, वो कुछ फ्रूटफुल दौरे हैं, कोई प्रूफफुल नहीं है। सिर्फ जो पीएम फंड में पैसा आया उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने कोरोना में? सब जवाब दिया साहब, आपको नहीं देने आए, ऐसा नहीं होता है, गलत बात है, गलत बात। मोदी जी सबसे ज्यादा विदेश दौरा जरूरी है, हमारी डिप्लोमेटिक नीति को जिंदगी भर ये भूल करता रहा, मैं जिंदगी भर ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो मैंने आईना साफ करने तो बहुत देखे हैं, बट तुम जैसे कुछ लोग बहुत कुछ नाकार देखे हैं। मैं भी कुछ बोल देता हूँ, एक शेर और दे देता हूँ मैं, शेर मोदी जी क्या है, मोदी जी ने जिस तरह देश के अंदर देश को एक लूट के ऐसी स्थिति में डाल दिया आज, कि उसके ऊपर एक शेर याद आ गया मुझे कि चोरी करी लोहे की, सुनना भाई साहब, चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। समझ रहे हैं? तो इससे ये साबित होता है कि चोरी लोहे की और दान सुई कर रहे हो देश के लिए, और फिर छत पे चढ़ के भगवान की जय जयकार करते हो। वही तो इस देश में है जो कुछ चीजों को जीवित किए हुए है, आज कुछ जीवित नहीं हुआ वो जरूरी है। नहीं नहीं सिर्फ दिखावा, अगर हम पाखंडी लोग जीवित हैं। आज देखो ना क्या हो रहा है, आज आप आज लोग मार दिए जाते हैं किस तरीके से, कोई सुनवाई नहीं होती। कब नहीं मारेंगे बताओ आप? वही चीज चलती रहेगी सर, बदलाव के लिए लाएगी रहेगी मैडम। एक मतलब छोटी सी जगह को सुधारने में, आप इसी चांदनी चौक को सुधारने में कितना टाइम लग गया, जब हम इंडिया परस्पेक्ट में बात करेंगे इट विल टेक टाइम। क्या चीज नहीं हुई बताओ? चांदनी चौक की व्यवस्था बड़ी खराब है, उन्होंने अपने यहाँ मंत्री अंतरी संतरी भेजे भाई साहब, सात सांसद जीते हुए दिल्ली से, वो कभी संसद भवन में नहीं भटकते। ये देन भी अरविंद केजरीवाल की, जो आप और मैं खड़े हैं यहाँ, आपके मेरे गलियों में रोडों पे झाड़ू हुए नहीं लगती थी, आज गलियों में दो दो बार एमसीडी कर्मचारियों की गाड़ियां आती हैं, ये भी अरविंद केजरीवाल की देन है। मैं जिस एरिया को बिलोंग करता हूँ, मैं तो समझता, मैं खानपुर तिगड़ी की बात कर रहा हूँ, उधर हाँ जो उस एरिया में मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल जी ने जैसा कि यहाँ दिख रहा है उस कंपेरेटिवली वहाँ कुछ किया है ही नहीं। जिसने